और धरती पर प्रलय की तारीख अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने बताई है। करीब 100 वैज्ञानिक नासा की टेबल टॉप एक्सरसाइज में शामिल हुए थे, जिसमें ये कहा गया कि 14 साल बाद यानी कि 12 जुलाई 2038 को एक एस्ट्रोनॉट धरती से टकराएगा और धरती का अंत हो जाएगा। आखिर कब और कैसे होगा धरती का अंत, ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। भविष्यवक्ताओं से लेकर वैज्ञानिक तक जाने कब से इसका जवाब ढूंढने में लगे हैं। कोई कहता है जब धरती का चुंबकीय क्षेत्र खत्म होगा तब होगा अंत, तो कोई कहता है कि जब सूरज चमकना बंद कर देगा तब आएगी तबाही। कोई परमाणु युद्ध के खतरे की बात कहता है। धरती का अंत कैसे होगा इस पर कई थियोरीज दी जाती है, लेकिन अब तारीख भी आ गई है और ये भी पता चल गया है कि तबाही कैसे आएगी। 12 जुलाई 2038 ये वो तारीख है जब प्लैनेट अर्थ का नामोनिशान मिट जाएगा, ये दावा खुद नासा ने किया है। जी हाँ, नासा ने बताई है धरती के अंत की तारीख। ये वो तारीख है जब धरती पर आएगी प्रलय, जब मिट जाएगा प्लैनेट अर्थ। ये वो तारीख है जब तारीख से मिट जाएगा धरती का नाम। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने काल्पनिक टेबल टॉप एक्सरसाइज की रिपोर्ट में बताया है कि एक खतरनाक एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला है और इस बार हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस एस्ट्रॉइड के टकराने की संभावना 72% है। हालांकि निकट भविष्य में ऐसा कोई एस्ट्रॉइड नहीं है जिसकी पहचान की गई हो, लेकिन आने वाले 14 सालों में ये अनजाना एस्ट्रॉइड टकरा सकता है। नासा की टेबल टॉप एक्सरसाइज की रिपोर्ट। धरती से टकराने वाला है खतरनाक एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने की 72% संभावना। 14 साल में धरती से टकराएगा एस्ट्रॉइड। 12 जुलाई 2038 को टकराएगा एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड के बारे में अब तक नहीं है जानकारी। नासा की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक उसने अप्रैल में 5वां प्लैनेटरी डिफेंस इंटर एजेंसी टेबल टॉप प्रैक्टिस की थी। 20 जून को नासा ने जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में हुई इस रिहर्सल के बारे में बताया। जब ये टेबल टॉप अभ्यास किया गया तब नासा के अलावा अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और इंटरनेशनल स्तर के कुल 100 एक्सपर्ट्स वहां शामिल थे। टेबल टॉप प्रैक्टिस की समरी में कहा गया कि अभ्यास के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने काल्पनिक परिदृश्य के लिए खास तरह का माहौल तैयार किया, जिसमें पहले कभी नहीं पहचाने गए एस्ट्रॉइड की पहचान की गई थी। इसे लेकर की गई प्रारंभिक गणना के मुताबिक करीब 14 साल के भीतर 12 जुलाई 2038 को टकरा जाएगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये कितना बड़ा होगा, इसका कॉम्पोजिशन, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये पूरी एक्सरसाइज इस तरह के खतरे से निपटने की पृथ्वी की क्षमता का आकलन करने के लिए की गई थी। वॉशिंगटन में नासा हेड ऑफिस में प्लैनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिनले जॉनसन ने कहा कि एक बड़ा एस्ट्रॉइड संभावित रूप से एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रेडिक्शन करने की तकनीक इंसानों के पास है और इसे रोकने का रास्ता भी तकनीकी रूप से खोजने की कोशिश की जा सकती है। तो अब सवाल है कि क्या इंसान धरती को खत्म करने वाला एस्ट्रॉइड की पहचान कर पाएगा, क्या ऐसी तकनीक खोज पाएगा जो प्रलय को रोक सके, क्योंकि अगर ये तकनीक नहीं खोजी जाती तो धरती का अंत नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।